देखिए दोस्तों, जो भी पेपर शेयर्स यानी फिजिकल शेयर्स होते हैं, जब उन्हें डीमटेरियलाइज या डीमैट में कन्वर्ट करवाना होता है, तो सबसे पहले हमें हमारे पास जिस भी कंपनी के शेयर्स हैं, हमें उस कंपनी के आरटीए से कांटेक्ट करना पड़ता है। आरटीए यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ये जो आरटीए होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उन कंपनियों के आरटीए के साथ कांटेक्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके पास जो भी कंपनी के फिजिकल शेयर्स या पेपर शेयर्स हैं, उन कंपनियों के आरटीए से कांटेक्ट कैसे करना है। अब जबकि ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है आपके पेपर शेयर्स को डीमटेरियलाइज करने का, यानी डीमैट में कन्वर्ट करने का, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं पैसा बनाते हैं YouTube चैनल। देखिए, अब सबसे पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि आरटीए से कांटेक्ट क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो आरटीए से कांटेक्ट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि नाम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई होती है, साइन मिसमैच होती है, केवाईसी अपडेटेड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जब सही सही होंगी, तब ही आपके शेयर्स का ये डीमैट में कन्वर्जन सरलता से हो पाएगा। मैं लाइव आपको बताऊंगा कि आरटीए से कांटेक्ट करने की जानकारी आपको कहां से निकालनी है। तो चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। अब हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो है गूगल सर्च, आप आपके फोन में भी ये कर सकते हैं, आपको सिर्फ आपके गूगल सर्च ओपन करवाना होगा। गूगल सर्च में आप डालेंगे RTA ऑफ और आगे जिस भी कंपनी के शेयर्स आपके पास है उस कंपनी का नाम आपको डालना है। तो मान लेते हैं RTA ऑफ, चलिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रहा है, कई सारे नाम है देखिए। तो हम मान लेते हैं आपके पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हो, पेपर शेयर्स, तो आप सर्च कीजिए RTA ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके साथ साथ मनी कंट्रोल, जो कि एक जानी मानी वेबसाइट है शेयर मार्केट के लिए, तो ये दोनों आपके सामने आ जाते हैं। मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, इसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, तब आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि फॉर सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, जो कि आपके पास जो फिजिकल शेयर्स हैं, जो पेपर शेयर्स हैं, उसके लिए जो आपको कांटेक्ट करना है आरटीए से, कंपनी के आरटीए से, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पर उनका एड्रेस भी दिया होता है और उनका एक टोल फ्री नंबर और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया होता है। तो यहाँ पर आप उन मेल आईडी लेकर मेल कर सकते हैं, या फिर उन्हें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई खत या कुछ लेटर लिख सकते हैं और वो इनके इस आरटीए के एड्रेस पर भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाते हुए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएं। तो जब आपने सर्च किया था, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और मनी कंट्रोल जहाँ पर दिखता है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जब आपके सामने मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई देता है रजिस्ट्रार के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाते हुए आप मनी कंट्रोल पर आ जाइए, आपके लिए सहजता होगी। तो यहाँ पर है देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रार के कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये रहा उनका एड्रेस, जो कि हैदराबाद तेलंगाना का, ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 040 ये उनका कोड है और ये आगे का उनका टेलीफोन नंबर है, तो आप डायल करके देख सकते हैं 040 ये टेलीफोन नंबर। अगर ये नहीं लगता है तो 040 ये टेलीफोन नंबर, अगर ये भी नहीं लगता है तो 040 ये टेलीफोन नंबर। अगर इनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये उनका दूसरा एक टेलीफोन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर आप उन्हें मेल कर सकते हैं, या आप उन्हें कोई लेटर या खत लिख सकते हैं इस एड्रेस पर, या फिर यहाँ पर जाकर मिल सकते हैं उनके आरटीए को। अब मैं इसी तरह से आपको, चलिए दूसरा कोई कंपनी का आरटीए का डिटेल्स निकाल के दिखाता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं, जैसे कि अब हम ढूंढेंगे, या फिर आपके पास शेयर्स हो जैसे कि टेक महिंद्रा के, तो अगर आपके पास शेयर्स होंगे टेक महिंद्रा के, तो आप सर्च कीजिएगा
RTA ऑफ टेक महिंद्रा और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आप इसे स्क्रॉल कीजिए और नीचे यहाँ पर देखिए आपको टेक महिंद्रा कंपनी के रजिस्ट्रार्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब ये रहा जैसे कि उनका एड्रेस जो कि है पूना महाराष्ट्र में, और ये रहे उनके टेलीफोन नंबर। तो आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर अपडेटेड और एड्रेस सब मिल जाएगा। इसलिए आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जाते हुए आप मनी कंट्रोल पर आ जाइए, आपके लिए सहजता होगी। और ये रहा जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप 020 और ये नंबर डायल कीजिए। अगर ये नहीं लगता है तो 020 कोड लगाकर ये टेलीफोन नंबर डायल कीजिए, या फिर उनको आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, टेलीफोन नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए। चलो मान लेते हैं, अभी मैं आपको दूसरे किसी शेयर के RTA का पता लगा कर दिखाता हूँ। अब जैसे कि टाटा पावर, तो ये देखिए, अब ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ये रहा मनी कंट्रोल। तो आप मनी कंट्रोल पर क्लिक कीजिए। अब जब मनी कंट्रोल की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार्स। तो ये रजिस्ट्रार्स टाटा पावर कंपनी के रजिस्ट्रार्स हैं, मतलब उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो ये रहा उनका एड्रेस, यहाँ पर आप खत या लेटर भेज सकते हैं। आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए, जैसे कि उनको आपको बताना होगा कि आपके पास ये फिजिकल शेयर्स हैं, आपको उन्हें डीमैट में कन्वर्ट करवाना है, या आपको आपकी KYC अपडेट करानी है। तो ये रहा उनका टेलीफोन नंबर, ये भी रहा टेलीफोन नंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी होगी RTA की। गूगल के थ्रू आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाइए, जिस भी कंपनी के आपके पास फिजिकल शेयर्स या पेपर शेयर्स हैं, आप उनका नाम गूगल पर डाल दीजिए और आपको रजिस्ट्रार के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखिए कि जब भी आप कॉल करेंगे तो मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें ही आप कॉल कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका कॉन्टैक्ट, मान लेते हैं अभी हो गया है उनके साथ कॉल पर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब आपके पास कौन सी जानकारी होनी चाहिए या आपको क्या पूछना है उनसे, ये सब डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब जब आपका कॉन्टैक्ट आपके पास जिस कंपनी के फिजिकल शेयर्स या पेपर शेयर्स है उनके RTA से हो जाता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब सबसे पहले तो आपको उन्हें बताना होगा कि आपके पास ऐसे ऐसे इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स हैं। तो फिर आपको ये पूछा जाएगा कि आपका फोलियो नंबर क्या है। तो RTA आपसे पूछेंगे आपका फोलियो नंबर। तो फोलियो नंबर आपके फिजिकल शेयर्स पर लिखा हुआ होता है, तो आप वो फोलियो नंबर आपके RTA के साथ शेयर कीजिए, वो वेरीफाई करेंगे। जो भी शेयर धारक यानी शेयर्स के ओनर हैं, तो उनके पैन डिटेल्स, उनके आधार कार्ड की डिटेल्स आपने आपके साथ रखनी है। ये सारी डिटेल्स लेकर वो वेरीफाई कर देंगे और आपको आगे की स्टेप बताएंगे कि KYC आपको किस तरह से अपडेट करानी है और किस तरह से नहीं। तो ये रही जानकारी RTA के साथ कैसे कॉन्टैक्ट की जा सकती है। जब आपका कॉन्टैक्ट RTA के साथ हो जाएगा और आपका KYC अपडेट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस सीरीज में करने जा रहा हूँ, जो कि आपको सरलता से उपलब्ध हो जाएंगी और आप स्टेप बाय स्टेप आपके फिजिकल शेयर्स या पेपर शेयर्स को इजिली डीमैट में कन्वर्ट करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले तो आप RTA से कॉन्टैक्ट कर लीजिए और मैं जो प्लेलिस्ट यहाँ पर दे दूंगा, आप उसे आपके पास सेव करके रखिए आपके वीडियोस की लाइब्रेरी में, ताकि जब भी मैं इस सीरीज से लेकर नई वीडियो पोस्ट करूँ, आपके जो भी सवाल है उनके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DRF फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, जो कि अगली स्टेप है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।